गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो आज क्या क्या, कल तो ऐसा दिन था ना, टायरिंग वाला सा, ऐसा लग रहा था बस लेटे रहो, कुछ काम ना करो, थकावट हो ही जाती है फंक्शंस में। मैं वैसे भी इतनी फंक्शंस में मस्ती हो गई थी, तो अब आज मैंने कब आज बैक टू नॉर्मल रूटीन, जो अब वापस अपनी उसमें जो रियलिटी है उसमें वापस आ जाना चाहिए। तो हाउस हेल्पर आपको बताए रखा है कि हमने लगवा लिए, तो घर का काम वाम हो गया है, नहा धोकर भी मैं आ गई हूँ। अभी हम थोड़ी देर में ना हम लोग निकलेंगे। एक्चुअली क्या हुआ है, ये जो मेरी इंगेजमेंट रिंग है, मुझे ना बहुत लोग बोल रहे हैं अभी कमेंट्स आ रहे हैं कि इसका क्लोजअप लुक दिखाओ, तो मैं एक बार इसके बाद आपको अच्छे से इसका क्लोजअप लुक दिखा देती हूँ। सो अभी मैंने इसको राइट हैंड में वेयर कर रखा, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई, जब मैंने ट्राई करी थी ना तब एकदम ठीक थी, हल्का सा लूज था, ज़्यादा नहीं था, बट अब मुझे लूज लग रही है, मतलब ऐसे लग रहा है कि इजीली उतर जाएगी। तो मैंने कहा नहीं, इसको ना थोड़े टाइट करवा लेते यार। और आज फिर मैंने कहा आज उत्तम नगर से ही ली थी, तो मैंने कहा आज जाकर ना उत्तम नगर जाकर ये रिंग टाइट करवाया आती हूँ, बिकॉज इंगेजमेंट रिंग है, मेरे को चाहिए लेफ्ट हैंड में ही मैं वेयर करूँ, और लूज़ में फिर डर लगा रहता है कि भाई लूज़ में सही नहीं रहती ना रिंग ऐसे। मम्मी जाएंगे ललता मासी के साथ नानी घर पे, मैंने कहा मैं तो आज उत्तम नगर जाती हूँ, और क्या कहते हैं एक दो और छोटे छोटे काम है वो भी निपटा कर आती हूँ। तो आइए आज के ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। ये है रिंग का क्लोजअप लुक, देख लीजिए गाइज, ये है, ऐसे है ये वाली रिंग। तो काफ़ी मुझे बहुत प्यारी सी लगी थी, मेरे हैंड पे ना सूट भी कर रही थी। ये हैंड तो फिर भी राइट हैंड है ना, थोड़ा हैवी है एज़ कम्पेयर टू दिस लेफ्ट हैंड, सो लेफ्ट हैंड के फिंगर्स ना मुझे थोड़ी और पतली और मतलब वो लगती है। सो मैंने कहा अब इसको ना थोड़ा सा वो करवाया होंगे, टाइट करवाया होंगे तो टाइट होके एकदम सही रहेगी, बट बहुत ही प्यारी है। कमेंट्स में बताना आपको ये रिंग मेरी कैसी लगी एंगेजमेंट रिंग। मम्मी और मैं वो है रेडी, आज पर हम दोनों साथ नहीं जा रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं। मम्मी जा रहे हैं नानी घर, मैं जा रही हूँ मासी घर, और वहीं से ही रिंग चेंज करवा लूँगी, चेंज नहीं मतलब सॉरी टाइट करवा लूँगी रिंग। रिंग थोड़ी अभी लूज है, मेरे को मैंने सुबह दिखाया ही है, तो चलते हैं। ललता मासी निकल के ना मम्मी, बस निकलने वाली, फोन करती हूं। फोन कर लो पहले। हाँ चलो चलो जाओ, ठीक है। हाँ रास्ते बदल गए, मेरा ये रहा रास्ता। हाँ कोई नहीं, चलो बाय बाय। हेलो मेरे को बेटा जहाँ तुम यही मिलोगे हमें, मासूम बच्चा बन के, बाद में शैतानी बच्चा बन जाओगे, हमें पता था। हेलो जी। लंच आज मासी के घर पे ही है, मासी ने पनीर की सब्जी बनाई है, और साथ साथ रोडीज देख रही हूँ। रोडीज मैंने यहाँ पे सेकंड वाला देखा ही नहीं था पार्ट, अभी आधा ही देखा होता तो आधा अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरे चैनल का जो व्लॉग वो ही चल रहा है, तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, है ना प्यू, जल्दी से करो, बोलना है कुछ, सब्सक्राइब करो। देखो हम लोग तो सो गए थे, रोडीज देखा, रोडीज देखने के बाद सो गए, अभी बस इसको ट्यूशन जाना है, और ये फ्रिजिट कर रही है, आज भी दीदी मत जाओ, बट आज जाना ही है मेरे को, और भी काम है। नहीं नहीं मेरे को दो चार और काम है, मैंने तेरी मासी ने ना मुझे वो कर दिया, तुम्हारे घर ही नहीं आने देंगे, तोड़ देंगे। हाँ क्योंकि जब भी जाती हूँ वहीं पर रहना है, मना ही कर देंगे, कल भी ट्यूशन जा, ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय, अलविदा मेरा पहला प्यार। चल अभी मनु के साथ ही मैं आई हूँ, रिंग को छोटा साइज का करवाने के लिए। तो पहले भैया बता रहे 14.5 था, एंड मेरा जो साइज है 12 है, तो अभी कम, कल तक मिलेगा ना, कल तक मिलेगी रिंग, आप पता कर दो फिर ना, तुम्हारा सही है ना, सही खाना तुम्हारा तो सही हो गया था, मेरा ही है खड़ा, दिखाना तुम्हारी नहीं निकल रही ना, मैं ये तो कहते इसलिए निकल रहे थे। सो गाइज रिंग तो वापस मेरे पास ही आ गई है, एक्चुअली उधर भी एक लेडी थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि 5-6 मंथ में ना आपको रिंग टाइट हो ही जाएगी, तो आपको बाद में टाइट करवाओ, मतलब बड़ी करवाने के लिए आना पड़ेगा, तो इससे बेटर है आप मत करवाओ। तो ये अभी मेरे राइट हैंड पे ही है, सभी मुझे यही बोल रहे हैं, सेम चीज़ बोल रहे हैं, मैंने कहा चलो कोई नहीं, मेरे पास ही रहे, राइट हैंड में रहे, बाद में लेफ्ट हैंड पे से कर लेंगे। सो अभी यहीं पर शॉप पर आई हूँ, मन्नू की शॉप पर, इंट्रोड्यूस तो मैंने करवाया नहीं है, है ना, मैंने कहा चलो उस दिन हमने ना, मैं ले लेती हूँ चॉकलेट शेक आया है, उस दिन रोका पे इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाए, बिकॉज अपने फंक्शन में ही इतना बिजी थे, बहुत से लोग पूछ भी रहे थे जीजू का क्या नेम है, जीजू का क्या नेम है, सो हिज नेम इज़ मनु। तो इनका काम यही है, शॉप है अपनी, और मेंस वेयर का ही सारा, कैजुअल वेयर का ना, पार्टी वेयर हो गया, कैजुअल वेयर हो गया, कैजुअल वेयर सब कुछ, एंड परफ्यूम्स भी है यहाँ पे, परफ्यूम बेल्ट
सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे आइए, अपनी शॉपिंग कीजिए, मिलिए इनसे, आके मिलिए। और क्या बोलूँ, डिस्काउंट अब तो अपनी शॉप है, अब अपनी शॉप पे तो आई जॉब, तो लाइक मेरी भी तो होने, अब होने वाली शॉप ही है मेरी भी, आधी तो हो ही गई है, एंगेजमेंट हो गई है, आधी हो गई है, अब आधा हक बनता है इस शॉप पे। जब मर्जी आइए, व्लॉग देख के, हाँ पूरा डिस्काउंट मिलेगा आपको, और अच्छे रीजनेबल रेटों पे मिलेगा सारा सामान, क्वालिटी भी सब एक नंबर होगी, अगर कुछ दिक्कत भी आएगी तो वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, डन शेक पी लो तुम भी थोड़ा सा, मैंने तो पिया, टेस्टी है वाला। शॉप का नेम है ट्रेंडस्टर, मैं बाहर से भी दिखा दूंगी। सो ये रहा एड्रेस, आप यहाँ पे आ सकते हैं, नंबर ये रहा, अगर एड्रेस नहीं मिल रहा तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। एड्रेस ये रहा, जनकपुरी में ही है शॉप, एंड शक्ल तो पहचान ही लोगे, है ना। अभी ये वाले मोमोज मंगवाए हैं, स्टीम पनीर मोमोज, फ्राइड बोले थे बट कोई नहीं, स्टीम वाले आगे, स्टीम वाले भी अच्छी होते, खाते हैं। प्रिंस भी एक शॉप पे आई थी, तो साथ में वाली शॉप है इनकी, कॉस्मेटिक की, मतलब हाँ मतलब है तो उन्हीं की शॉप, मतलब ज्वेलरी वाली है ना, और ये कॉस्मेटिक की है। लास्ट टाइम ये वाली आपने बताया था ना, एंटी डस्ट फेशियल, तो इतने सारे कमेंट्स आए थे, तो ये वाली गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके यहाँ से नहीं मिल रही तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसका प्राइस क्या है? 250 रुपीज़ का, तो 250 रुपीज़ का है इसका, क्या है कितना ml है पे लिखा नहीं हुआ ना, कितनी क्वांटिटी पैक में है ना। तो ये वाला है कलर क्वीन समथिंग करके ब्रांड है, 299 MRP है। क्लिनजिंग आई डिस्काउंट, इसके बाद भी डिस्काउंट है, यही है ना, ओके ओके, 299 की MRP है, तो यहाँ से आप आके ले जा सकते हैं। बहुत बहुत ज्यादा इसके लिए कमेंट्स आए थे गाइस, घर आ गई थी वापस, एंड हम ना कमेंट्स कर रहे थे, आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आ रखे, इतने सारे कमेंट्स आ रखे हैं, और हमने सोचा चलो अब बैठ के बता ही देते हैं, बिकॉज आप लोग भी मतलब इतना सारा पूछ लो तो बताना बनता ही है। सबसे पहले तो मतलब हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही बता रखा था कि हमारे रिलेशन में ही शादी हो रही है, हमने ये क्लियरली बात रखी थी आई गेस, जब मैंने बता ही दिया था कि रिश्ता हुआ है उसी दिन, मैंने ये चीज़ बता दी थी कि हमारे रिलेशन में ही हो रही है। तो बार बार मुझसे पूछे जा रहे हैं ये आपने उन्हें भैया बुलाया था, मैंने उस वीडियो को देखा भी, उसमें मैंने बढ़िया बोला था, बढ़िया इतना हेलो हुआ था मन्नू से ना, हेलो हुआ था। सो उन्होंने सुशांत ने पूछा कैसे हो, मैंने कहा बढ़िया, तो वो साथ में आ गए हेलो बढ़िया, तो उनको लग रहा है बिकॉज वो मुझसे इतना, हाँ आप ध्यान से सुनना, क्योंकि बिकॉज वो मुझसे इतना बड़ा नहीं है कि मैं कभी उसे भैया बुलाऊं, हाँ मतलब मैंने कभी बुलाया भी नहीं है, सिर्फ उसके लिए, वैसे भी मैंने कभी नहीं बुलाया, इतना ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है हम लोगों के बीच में, वो तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को। सेकेंड ये आ रखा था कि इनकी पक्का लव मैरिज है, आप लोग हमसे क्यों छुपा रही है ये सब आ रहा था गाइस, अगर लव मैरिज होती ना लाइक हमारी फैमिली इतनी मतलब ओपन माइंडेड है, आपको क्लियर बता दें कि मैं तो क्लियर करूँ, मुझे क्या डर है, दुनिया कर रही है, डर ही नहीं आज कल करेगी तो मुझे 1% गाइस डर नहीं है शादी का, मैं खुल के बताती लव मैरिज है, मैं भी लड़के देख रही थी, वो भी लड़कियाँ देख रही थी, तो जहाँ संजोग बनना था वहाँ बन गया, मतलब हम लोग भी सोच ही रहे थे काफी उनके साइड से भी, और फैमिली में करे ना करे चीजें आ रही थी, बट बाद में सब चीजें मतलब इसी साइड पे ही हो गई थी, हम सब ने मतलब ये सोचा सब ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं, जैसे जा रहा है जाने देते हैं, तो अपने आप ट्रैक पे चीज आती गई एंड फाइनलाइज हो गया सब कुछ, फिर आप लोगों से शेयर करा। थर्ड मुझसे पूछा जा रहा था कि आप इतने ज्यादा कंफर्टेबल कैसे हो, लग ही नहीं रहा था कि आपकी एंगेजमेंट है। फर्स्ट अभी बताया रिलेशन में ही मैरिज हुई है, मतलब मैं उनको स्टार्टिंग से ही जानती हूँ, तो अननोन अलग कोई भी नहीं था, एक बंदा नहीं था एंड वी आर पंजाबी गाइस, वो लोग भी पंजाबी से हैं, पंजाबी थोड़े ओपन माइंडेड होते ही है, बाकी मतलब सब फैमिलीज का अपना अपना ही होता है, बट पंजाबी थोड़े से होते हैं, मतलब जितने भी पंजाबी से दे कैन रिलेट विद दैट, कि थोड़े से होते हैं, और मुझे उनकी फैमिली का पता है कि दे आर ओपन माइंडेड एज वेल, तो मुझे मतलब कहीं पे हेजिटेशन ही नहीं आई, कहीं पे कुछ मुझे लगा नहीं कि मे बी वो मुझे गलत जज कर लेंगे या कुछ होगा, तो मेरे मैंने एक फ्री माइंड के साथ थी, अगर मे बी मेरी कहीं और अरेंज मैरिज हो रही तो हो सकता है ऐसा ना होता, तो हो ही नहीं सकता था बिकॉज मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाती, ऑब्वियसली बात है बीइंग अ गर्ल हम इतनी इजीली कंफर्टेबल, हमें उनकी फैमिली का नेचर नहीं पता चलता, हाँ इनका पता था कि यहाँ ऐसे है तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। एग्जैक्टली, एंड गाइस जो गैदरिंग थी ना सिर्फ 50 लोगों की थी, इससे ज्यादा लोग थे ही नहीं, 50 लोग थे, 50 में से 25 भाई डांस फ्लोर पे थे, 25 पता है रिंग सेरेमनी छोड़ के सब पहले डांस में लगे हुए थे, सब पहले डांस वांस ये सब करने, मतलब 11:30 बजे के बाद डीजे बंद हो जाते हैं,
मैं भी अपना फंक्शन, बिकॉज मेरे को डांस करने का बहुत ज़्यादा क्रेज है, मतलब देख ही लिया होगा आप लोगों ने तो वीडियो नहीं, तो सब डांस कर रहे, भाई मैं क्यों डांस करूँ एंगेजमेंट, तो मेरी मैं भी उस दिन खुश थी, तो इसलिए अच्छे से भी मैंने डांस किया, परफॉर्मेंस दी। सो मेरे में इतनी एक पर्सन की भी हेजिटेशन नहीं थी, इवन दो जो मेरी इन लॉज फैमिलीज है ना, उन लोगों मतलब मेरे को इतना ज़्यादा प्रेज करा कि बहुत अच्छा डांस करती है, वो रंग लगा दिया, धूम मचा दी, ये वो, दे वर वेरी हैप्पी। सो मेरे को कहीं से लगा नहीं, तो मुझे नेक्स्ट डे मतलब मेरी वीडियोस आ रही, तो आप लोगों की साइड से आया तो मेरे आया, बट उनको कोई दिक्कत ही नहीं हुई, ना हमारी फैमिली को दिक्कत है। सो इसलिए और लव मैरिज को भी बार बार इसलिए आ रहा था कि इतना कंफर्टेबल कैसे हो आप बंदी के साथ, बिकॉज जानते एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात बात करते ही थे, वो तो पहले बचपन से जान रहे हैं, लेकिन ऐसी बातें कोई माइंड में थी नहीं कि शादी भी हो सकती, शादी का कभी भी नहीं था, और ये नैन्सी की शादी के बाद तक भी नहीं था कुछ नहीं था, अचानक ही जो हुआ आपके सामने, हम मम्मी घर जाते थे, ये सब जस्ट 15 दिन के अंदर अंदर ही, 2-2.5 हफ्ते हुए होंगे, बस याद था इतने, जब आपको बताया तभी की बात है ये, तो 2-2.5 हफ्ते ऐसे ही होगा, मम्मी से भी सलाह लेनी पड़ती है, देखो कोई बात होती है तो मम्मी बहने एक ही जगह बैठ के सलाह लेते हैं ना, इकट्ठे बैठ के डिसीजन निकाला तब हुआ। मन के साथ ऑलरेडी मैं इतना ज्यादा मतलब पहले से ही हमारे कंफर्ट जोन था, मतलब सेम एज में थोड़ा एक होता था, वाइब थोड़ी मैच हो जाती थी, हम लोगों की पहले की वाइब मैच होती ही थी, पर माइंड में ऐसी बातें कभी ऐसी नहीं थी एग्जैक्टली। एंड सेकेंड चीज ये आई थी कि भाई 2-3 हफ्ते से, लाइक 2-2.5 हफ्ते से बात बात हो ही रही है, शॉपिंग में हम लोग साथ जा रहे थे, मैं वो वाला ब्लॉग अपलोड जरूर करूँगी जितनी भी हमने साथ में शॉपिंग वगैरह करी है, सारी हम लोगों ने रिंग्स वगैरह कपड़े का सब साथ में शॉपिंग करी हुई है, सो मैं और ज़्यादा उसके साथ कंफर्टेबल हो गई, तो मुझे उस दिन इतनी हेजिटेशन नहीं आई कि लाइक मुझे इतना ये सब करना सोचना चाहिए सर, तो इसी वजह से आप लोगों को लव मैरिज लग गया, बिकॉज आप लोग भी ये सोचे, बिकॉज मैं उसे बचपन से जानती हूँ, तो मेरा ऑलरेडी उसके साथ एक कम्फर्ट जोन है, नए इंसान के साथ कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है, मुझे वो वाला जो टाइम पीरियड था वो मेरा कैंसिल हो गया, बिकॉज मैं पहले से ही कंफर्टेबल थी, बट येस एज अ इंडिविजुअल मैं उसे मतलब एज अ लाइफ पार्टनर तो नहीं जानती थी, तो वो अभी हम जानना स्टार्ट कर रहे हैं, बट प्लस पॉइंट यही है फैमिली में है तो पहले से ही जानते हैं, तो इसलिए सारी चीज़ें बहुत स्मूथली चली गई, बट अरेंज मैरिज या लव मैरिज वाला कोई सीन नहीं है, होती तो हमें एक पर्सन सच बताती, मैं झूठ के सिर पे नहीं चलती, सच बताती है लव मैरिज है, मुझे क्या जा रहा है बताओ, आपने कुछ करना तो होना था उसमें, लव भी होती तब भी आप कुछ नहीं करते, भी आप यही देखते हैं तब भी यही देख रहे हो, तो मुझे उसमें क्या शर्म थी। हाँ तो प्लीज़ अपने थोड़े मिसकंसेप्शन दूर कीजिए और ब्लेसिंग दीजिए, बस ब्लॉग्स को एंजॉय कीजिए, ब्लॉग में ब्लॉग मम्मी कह रही काकू नोनी ने बनाया था, तो बट उन इतना अच्छे से वो नहीं बना पाया बिकॉज उन्हें हैबिट नहीं है ब्लॉग बनाने की, बट स्टिल जो जो मैं कैप्चर मतलब वो लोग कर पाए मैंने वो सब शो करा, तो इसी के साथ आज वाला जो ब्लॉग है करते हैं पे हैं, जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं मिलती हूँ आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।